अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी एस एवरी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, मेरे पास काफ़ी भाई के मैसेज आ रहे थे, वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो उसमें हम क्या करें। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अब हमने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवाएं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी है, ठीक है। टोटल मैंने इनको स्पार्क किया हुआ, ये देखें झाग, ये झाग बन रही है, ठीक है, स्पार्क में झाग बनती है। तो एक तो आपको इलेक्ट्रोलाइट लाजमी यूज़ कराना है क्योंकि टेम्परेचर 42-45 हो रहा है। दूसरा, मेरा शर्ट जो है इसकी हाइट छोटी है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा मुश्किल आ रही है, ठीक है। अगर हाइट नॉर्मल होती, 12 फुट की होती, तो इतनी गर्मी अंदर नहीं होती। अगर आपके पास भी ये सेम इशू आ रहा है, मेरे पास भाई के मैसेज आ रहे थे कि यार हमारा नॉर्मल रूम है सेकंड फ्लोर पे, मगर वो भी 40 तक टेम्परेचर जाता है। तो अब आप क्या करें, सिंपल, अब मेरा जैसे कि एयर कूलर ये ख़राब हो गया है, ठीक है, एक दो दिन में बन जाएगा। तो अब मैंने क्या तरीका निकाला है, आपको करना है क्या है कि सुबह का टाइम, तो एक तो आपको इनको आपको फ़र्श को धोना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, क्योंकि फ़र्श को धोएंगे तो जो दिन के टाइम अगर आप धोएंगे तो वही जो गर्माश होगी रूम की वो ऊपर उठेगी। तो आपको करना ये है कि आपको ऐसा फ़ैन चलाना है, ठीक है, और फ़ैन को बीच में रख के सामने एग्जास्ट ऑन करना है। एग्जास्ट ऑन करने के बाद जब मैं ऊपर आया था तो मेरे पास जब टेम्परेचर था वो 45 था। अब मैंने जब ये इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है तो ये मेरा टेम्परेचर 40.1 पे आ गया है, ठीक है। स्लो स्लो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है ये, और ये अब ये जगह 40.0 हो गया, अब ये 39 हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के सामने ये। तो ऐसे अगर आप ये एग्जास्ट, अगर आपके एयर कूलर नहीं है तो ये फ़ैन और एग्जास्ट, ताकि यहाँ से ये हवा जो गर्म हवा ही है यहाँ से उठाए और वो वहाँ से बाहर निकाले, तो ये सबसे बेस्ट हल है आपके बर्ड के रूम को टेम्परेचर को नॉर्मल करने का। अगर आपके एयर कूलर है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, उसको एक घंटा चलाएँ फिर बंद कर दें, वरना तो फिर ये मतलब ये आप जुगाड़े कर सकते हैं, ये अच्छा है ये भी, मतलब फ़ैन चला के और ये आप एग्जास्ट जो है ना ऑन कर दें और विंडोज़ खोल दें। अगर गर्म हवा आ रही है तो बंद कर दें, और जहाँ से सिर्फ आपको फ्रेश एयर छोड़नी है वो खोल के, और जहाँ से निकालनी है सिर्फ वो आपको विंडो खोलनी है, बाकी बंद कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना ये टेम्परेचर कम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं 40.0 है, अभी ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से आप अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं अपने रूम का, ठीक है। अगर आपके बर्ड हाम पेंगे तो उनके जो है इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे और वो स्लो स्लो सीख में जाएंगे, तो इस वजह से अपने बर्ड का जितना हो सके गर्मियों में ख्याल रखें। मेरा इंशाल्लाह एक दो दिनों में काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले मेरे रिंगने के चिक्स थे वो माशाल्लाह से सेल आउट हो गए, अब इसमें एक और चिक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं ये सारा शेड हटवा के और टोटल ये इसको मैं सारा सही करवा दूँगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।